हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आप जैसे कि थंबनेल देख के आए हो कि आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं Redmi A2 की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने मंगाया है Amazon से और सिर्फ 5,300 रुपये में। तो खोलते हैं इस फ़ोन के डब्बे को जल्दी से और चेक करते हैं कि भाई 5,300 के लायक है या भी नहीं है। हमें अपने इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा यही है इस फ़ोन को खोल के देखने का। और बेसिकली ये 5,300 के लगभग अभी नॉर्मल डेज पे नहीं मिलता, मैंने इसे सेल में मंगाया इसलिए 5,300 रुपये का मेरे को मिला है। बट अगर आपकी किस्मत हो, अगर अभी सेल चल रही हो, तो आप इसको डेफिनेटली सेल में ख़रीद सकते हो 5,300 रुपये का। मैं आपको बाद में इसका बिल प्रूफ भी दिखा दूंगा, जिसमें मैं आपको बिल में दिखा दूंगा कि रियली में 5,300 रुपये का मैंने मंगाया है। फटाफट से फ़ोन को खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और फ़ोन कैसा है चलने में और वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, ऐसी मोर मज़ेदार वीडियोस के लिए। और ले फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा फ़ोन का बॉक्स। ये कुछ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, MI की ब्रांडिंग है। ये यहाँ पे अपना फ़ोन दिया है, दो कलर में अवेलेबल रहता है ये। एक तो ये जो मेरे पास है, एक हुआ ब्लू और एक है ब्लैक। इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर है 5000 mAh की बैटरी विथ फास्ट ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। 64GB वेरियंट मैंने मंगाया है, जो कि 4GB रैम तो इसमें इनने लिख रखा है बट नहीं आती है। इसमें आती है 2GB रैम और आप 2GB इसकी इंटरनल मेमोरी से एक्सटेंड कर सकते हो। बल्कि इसका 4G वेरियंट भी आता है जिसमें 4GB रैम आती है और आप दो अपनी एक्सटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एक क्वाड ब्लू मंगाया है, 2GB रैम, 64GB, और इसका MRP कुछ 10,000 लगभग है। और बाकी वारंटी मिलती है 1 ईयर की और कुछ नहीं है बाकी। इधर साइड वही लिख रखा है MI वालों ने, ट्रस्टेबल ब्रांड इंडिया का, वैसे तो क्या ही है पर अब लिखना ज़रूरी है। सामने वाली साइड पर कुछ नहीं, वो सेम चीज़ है, 2GB रैम और 64GB, एक वो ब्लू वाला वेरिएंट। और इधर वही लिख रखा है इनने, Redmi A2, Redmi by Xiaomi, और सील वील है। और बाकी इधर वही कंटेंट है। बॉक्स के बैक साइड पे देखें तो अपन मेड इन इंडिया लिख रखा है। बॉक्स के कंटेंट्स को देखें तो हम यहाँ पे हमको दिया है MediaTek का हेलो G36 प्रोसेसर। और यहाँ पर डिस्प्ले देखें तो अपन 6.56 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है अपन को, H+ ISP डिस्प्ले मिलती है। उसी के साथ अपन को 5000 mAh की बैटरी मिलती है। इसमें जो टाइप सी आपको अडेप्टर नहीं मिलता, इसमें माइक्रो SD कार्ड आपको स्लॉट मिल जाता है और 2 SIM आप इसमें उसके साथ लगा सकते हो, जो कि 1 TB तक आप इसमें SD कार्ड लगा सकते हो। प्रीमियम लेदर टेक्सचर दिया जाए, वो देखते हैं अपन खुल के कि क्या कैसा है भी कि नहीं है। और बाकी 5000 mAh की बैटरी तो है बट फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो देखेंगे कितनी देर में चार्ज होगी। 8MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें पोर्ट्रेट भी है और सारी चीज़ें हैं। 5MP का फ्रंट कैमरा है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5MP का फ्रंट कैमरा है। USB OTG सपोर्टेड है, डुअल वोल्ट है, मतलब डुअल 4G है। वो बाकी सब चीज़ जो रहती है मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग और बाकी सारी चीज़ जो एक नॉर्मल फ़ोन में आती है, वो सारी चीज़ उसके अंदर हैं। अब अपन इसको खोलते हैं। वैसे डब्बा बहुत ज़्यादा लंबा ज़्यादा है और छोड़ा काम है, मुझे पता नहीं क्या निकलेगा अंदर से। तो खोलते हैं इसकी, कैसे लगा खुलिया भाई, खुल बहुत अजीब से तरीके से रहा है। और कीपैड फ़ोन खुलते हैं वैसे, हाँ बट क्या ही लो इनसे 5,000 रुपये में। यहाँ पे खोलते से अपन को मिल गया है Redmi by Xiaomi, इसको उठाते हैं अपन। तो ये हमको मिल गया हमारा डिवाइस सबसे ऊपर सबसे पहले ही। तो हम डिवाइस को तो ये रहा, तो इसको 2 मिनट साइड में रखते हैं और बॉक्स कंटेंट देखते हैं हमको और बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसके अंदर है अपने पास अपना चार्जर। यस, इसके अंदर ये आपको चार्जर मिलता है जो कि 10 वॉट्स का चार्जर है, जो कि आपको फ़ोन को भाई फास्ट चार्जिंग तो क्या ही करेगा बट हाँ कर देगा ठीक ठाक। और एक ही केबल मिलती है जो कि अगेन USB टाइप A2 नॉर्मल आपका जो आता है, जो नॉर्मल पहले फ़ोन चार्ज होते थे वो वाला केबल है, आपको उसी टाइप इसमें नहीं मिलता, ये एक इसका माइनस पॉइंट है। एंड केबल क्वालिटी ठीक ठाक है नॉर्मल MI की तरफ से। और देन उसके बाद बॉक्स में आपको यूज़र मैनुअल मिलती है, जिसकी
हमें तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इतना टाइम खोलनी है कि अब तो हम फोन खोल के वहाँ भी जमा सकते हैं। तो यूज़र नेम हमें इसके किसी काम की नहीं है, तो फेंकते हैं। बाकी और बॉक्स में इसमें कुछ नहीं दिया है, खाली भरकम बॉक्स है और 5000 में इनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा सकता। तो बॉक्स रखते हैं साइड में, आते हैं मेन डिवाइस के ऊपर। तो ये रहा हमारा कुछ डिवाइस, इसको हटते हैं। एंड काफ़ी बड़ा सा लग रहा है यार 5000 के हिसाब से। ठीक है, पीछे की टच हैंड लेते हैं इसके। ये चीज़ें करने में बस मज़े आते हैं। इसको रखते हैं साइड में। तो ये रहा फ़ोन, इसको बूट करते हैं। तो आ गया MI लिखा हुआ। अब आप कैमरे और सारी चीज़ों की बात भी कर लेते हैं। और जो इन्हें लेदर टेक्सचर बोला था वो एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा होगा, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये लेदर मतलब ऐसा खुरदुरा सा देखो आवाज़ भी करता है, ऐसा टेक्सचर है। बाकी है ये नॉर्मल प्लास्टिक ही, ऐसा कुछ ज़्यादा लेदर नहीं है यहाँ पे, बस वो उनने उबड़ खाबड़ थोड़ा दे दिया है तो उनने लेदर टेक्सचर इसको बोल दिया है। दो कैमरे आपको मिलते हैं, एक और दो, जिसमें ये नीचे वाला तो नहीं, क्या ही चलता है, ऊपर वाला ही चलता है, उस पर हाजिर होगी। तो ये तो डेप्थ सेंसर है और यहाँ पे आपको फ्लैश देखने को मिलती है और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। नीचे की साइड आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हेडफोन जैक और चार्जिंग पॉइंट और एक माइक देखने को मिलता है और कुछ ज़्यादा नहीं है। साइड की तरफ आपको देखने को मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन। और ऊपर वाली साइड पर आपको देखने को मिलता है एक स्पीकर ग्रिल और कुछ नहीं देखने को मिलता। साइड अगेन आपको एक सिम स्लॉट देखने को मिलता है जहाँ पे आप सिम लगा सकते हो। और फ़ोन में ऐसा कुछ खास ऐसा एक्स्ट्रा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। बट जो प्राइस रेंज है इसका 5000 रुपये जिसमें मैंने ख़रीदा है, उस हिसाब से अभी तक तो इसमें ठीक ठाक चीज़ें हैं। बाकी ऑन करके देखते हैं, हम इसको सेटअप करते हैं कि इसमें हमको और अंदर क्या क्या मिलता है। आप जब तक बी रोल के मज़े लीजिए। डिवाइस फ़ोन कर लिया है मैंने सेटअप, ये आ चुका है। ब्राइटनेस को कर लेते हैं हम फुल। और इसमें एंड्रॉयड 13 आया है, वो भी बट डुओ एडिशन वाला एंड्रॉयड MIUI 13 आया है। गो एडिशन वाला इसमें एंड्रॉयड 13 आया है। फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया फ़ोन स्टार्ट। प्री इंस्टॉल कुछ ऐप्स आए थे जो कि मैंने डिलीट कर दिए हैं और अभी थोड़े बहुत ऐप डाउनलोड कर लिए हैं। इसमें मेरे को आई थी 2GB रैम, जिसको मैंने एक्सटेंड करके 2GB और इसके स्टोरेज में से बढ़ा दी है, तो वो टोटल 4GB रैम हो चुकी है, बट नॉर्मल ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर सिस्टम में आएगा आपको यहाँ पे देखो सिस्टम में अपडेट में एंड्रॉयड 13 आपका वर्ज़न लगा हुआ है, एंड्रॉयड 13। और बस यही है और बाकी और कुछ नहीं है दिखाने के लिए तो नहीं है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट और फेस लॉक अगेन नहीं मिलता है और 5000 में आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए इससे। और जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो भाई तुम खेल लो, इसमें क्या खेलोगे, हिल क्लाइंबिंग रेस खेल लो भाई, इसमें फ्री फायर पबजी क्या ही चलेगा, तुम बताओ ना यार 2GB रैम में क्या चलेगा, क्या मर जाएगा भाई ये। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के यूज़ के लिए ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, क्योंकि सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। कैमरा में भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को ऐसा खास देखने को नहीं मिलता, नॉर्मली जो आता है। और कैमरा इसका ना वॉइस रेंज के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ना यहाँ पे साइड में ना इसके कैमरे के सैंपल्स भी लगा दूंगा खींचे हुए। और बाकी कैमरे में आपको वीडियो मोड देखने को मिलता है, जो कि वीडियो रिकॉर्ड करता है आपकी 1080p 30fps पे, ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर देता है और फ़ोटो आपके ले लेता है। और फ़ोटो में आपको HDR भी मिल जाता है इसमें, जो कि अगेन प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ़ोटो ले सकते हो आप इसमें और
और इधर पोर्ट्रेट मोड भी आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जो दूसरे नॉर्मल फ़ोन्स में नहीं देखने को मिलता। मोर में आप इसमें टाइम लैप्स ले सकते हो, शॉर्ट वीडियोस ले सकते हो, और ज़्यादा आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिलता। एंड बस कैमरे का इतना ही है। और हाँ ठीक है भाई, 5,000 के हिसाब से बार बार 5,000 बोल रहा हूँ, बट हाँ क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको याद देना चाह रहा हूँ कि 5,000 के हिसाब से ना आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आपको साउंड क्वालिटी में टेस्ट करवा देता हूँ इसकी। तो भाई इसमें मैंने देखो अभी एक म्यूज़िक प्ले कर दिया है और ऑडियो फुल है, देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। भाई अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर तो नहीं कहेंगे, हाँ बट ठीक ठाक है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ तो नहीं, हाँ बट ठीक ठाक आवाज़ इसमें ये दे रहा है। और स्क्रीन की बात करें तो भाई स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, हाँ और ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्रीन भी ठीक ठाक है, मेरे को कोई लेग फील नहीं हुआ स्क्रीन में, बट जो नॉर्मल है भाई, अब एक 5,000 के फ़ोन से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, इसमें कॉलिंग हो रही है, तुम्हारा यूट्यूब चला रहे हो, तुम व्हाट्सएप चला रहे हो, नॉर्मल डे टू डे जो टास्क हैं वो कर रहे हो, और क्या करना है भाई तुम्हें एक फ़ोन से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो ये, और अगर इसमें फिंगरप्रिंट और दे देता ना भाई एक छोटा सा, तो ये फ़ोन और भी अच्छा हो सकता था और बेहतर हो सकता था। बट खैर ठीक है, जो इन्होंने मेरे को अगर 5,000 में दिया है, अगर ये तुम्हें अभी भी 5,000 में मिल रहा है तो तुम इसको डेफिनेटली खरीदो, बट अगर तुम्हें 7-8 हज़ार के समथिंग मिल रहा है ना तो इसे मत खरीदना, क्योंकि इससे भी अच्छे फ़ोन तुम्हें 7-8 हज़ार रुपये में मिल सकते हैं। और इसका जो 4GB वाला वेरियंट है ना, वो रियली में आता है, 7-8 हज़ार रुपये का वो 4GB वाला वेरियंट आता है, तो उसे खरीदने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हें EMI गो मिलता है, गो एडिशन मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं है, कोई फीचर नहीं आते तुम्हारे पर। अगर तुम 2GB वाला वेरियंट खरीद रहे हो 5,000 रुपये में, 5.5 में जो मैंने बोला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, तुम इसे डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। और कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है जो मैं तुम्हें दिखाऊं, बट जो भी चीज़ हो सकती थी मैंने तुम्हें कोशिश करके मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पर मैंने इसको पूरा अपडेट कर रखा हुआ है और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ Android 13। इसके यहाँ पर जाते हैं अपन, ये देखो Android 13 का गो एडिशन है इसके अंदर, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ ये यहाँ पे Android 13 है इसके अंदर, बट गो एडिशन है तो तुम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और ज़्यादा कुछ तुम्हें मिलेगा भी। तो तुम देख सकते हो भाई तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम्हें 5,000 के अंदर एक नॉर्मल डे टू डे टास्क करने के लिए अगर फ़ोन लेना है, तुम इसे डेफिनेटली ख़रीद सकते हो, क्योंकि भाई फ़ोन तो रियली वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि भाई जो फीचर प्रोवाइड कर रहा है दूसरा फ़ोन नहीं करेगा, वो भी कंपनी की उसके साथ। देखो कितना अच्छा से रेडमी दिख रहा है इसमें, एक अगर रेडमी की तरफ से ना बहुत अच्छा फ़ोन है, तुम इसे डेफिनेटली ख़रीद सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्राइस रेंज अच्छा है तो तुम इसे डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। बाकी फ़ोन क्योंकि लुक में भी ना बहुत अच्छा है, तो मैं कोई नहीं कहेगा कि 5,000 रुपये का फ़ोन है, क्योंकि दिखने में इतना शानदार दिखता है फ़ोन। और रियली ना मैं तुम्हें इसमें कलर नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि ना कलर थोड़ा अलग सा कलर है, तो तुम्हें ना इसमें फ़ोन में ना वाइट सा दिख रहा है ये वीडियो में, बट ये वाइट है नहीं, ये एक्वा ब्लू है। तो मैं यूट्यूब अमेजोन पे जाके देखूंगा ना, तो ये एक्वा ब्लू कलर है, वाइट नहीं है, और तुम्हें बी रोल में भी शायद दिख गया हो। डिस्प्ले भी भाई बहुत बढ़िया, मतलब हाथ में लेकर फील होता है कि हाँ कुछ पकड़ रखा भाई बड़ा सा, और एक पीछे का प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक भी फील नहीं होता। अगर तुम इस पर कवर डाल लोगे ना तो कोई नहीं कहेगा तुम 5,000 का फ़ोन लेके घूम रहे हो। ओवरऑल ना भाई फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी तुम्हारा है, तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो मैंने आपको इस फ़ोन के बारे में सब कुछ बता दिया है, अभी भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन इस फ़ोन से रिलेटेड है तो आप भाई कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और वैसे बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, अगर आपको 5,300 रुपये मिलता है उसके हिसाब से भाई मेरा पूरा पैसा वसूल हो चुका है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है, और नॉर्मल डेली के टास्क जो रहते हैं वो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेरे को ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हो, मैं बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको इस फ़ोन का फीचर कोई सा और अगर दिखा हो जो मैंने आप बताना भूल गया हूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस फ़ोन की कौन सी सबसे अच्छी बात लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।